अब देखो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर में इसमें विंडो डालेंगे, तो विंडो डालने के लिए हमारे पास बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए, जो कि हमारे पास है और हमने आपको सिखा भी रखी कैसे बनाती है। तो अब हम किसी भी यूएसबी पोर्ट में अपनी जो पेन ड्राइव है बूटेबल, उसे लगा देंगे। हमने यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव को जो है वो लगा दिया। अब हम अपने अब यहाँ से हमने जो है वो अपने कंप्यूटर को ऑन किया और कीबोर्ड से F11 नाम का बटन दबाएंगे, ठीक है, जिससे हमारे कंप्यूटर का जो है वो बूट मेन्यू खुल जाएगा। तो देखो दोस्तों, हमारा जो है बूट मेन्यू खुल गया। तो दोस्तों, विंडो डालने के लिए हम बूट मेन्यू जो है वो ओपन करते हैं। तो कंप्यूटर सबसे पहले बंद होना चाहिए, आपने बूटेबल पेन ड्राइव लगाना है। कंप्यूटर ऑन करते के साथ आपको एकदम से F11 नाम का जो ये बटन है ये दबाना है कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम अपनी हमारी जो HP की पेन ड्राइव है, हमने एरो से इसको सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों, ये हमारी पेन ड्राइव को रीड करेगा और हमारी जो विंडो है वो डलनी यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम वेट करते हैं, ठीक है। अब हम एनी की को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, अब हमारी जो है वो विंडो 11 की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। और जैसे कि हमने एनी की को प्रेस किया, हमने आपको बताया जी आपको कोई भी की जो है वो दबानी है, एंटर हो या कुछ भी हो, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये विंडोज 11 जो है वो आपका वेलकम कर रही है। तो यहाँ से दोस्तों, आप जो है वो इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इंग्लिश भाई हम इंडिया में बैठे हैं तो एक अच्छा सा फील होता है। आप चाहें तो यूनाइटेड स्टेट को भी सिलेक्ट करके जो है वो नेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट किया, देन अब हमने यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है। इसके बाद दोस्तों, अब हम यहाँ पर करेंगे इंस्टॉल नाउ पर हम लोग क्लिक करेंगे अपने माउस से। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा हमारा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है ना ये हमसे पूछ रहा है कि हम विंडोज 11 का कौन सा वर्जन सेलेक्ट करके इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको 10 में भी बताया और 8 में भी बताया कि हमारा जो सबसे अच्छा वर्जन है वो प्रो होता है, तो हम यहाँ से विंडोज 11 को प्रो को सेलेक्ट करेंगे और दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है वो नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम लोग जो है वो आई एक्सेप्ट द माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस टर्म पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब दोस्तों, अगर हमें अपनी पुरानी विंडोज को अपग्रेड करना है जो कि 10 हो तो वो 11 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम ऊपर वाला ऑप्शन लेंगे। और अगर हम फ्रेश इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं जी, हमारे पास नया कंप्यूटर है उसके अंदर, या फिर हम अपने पुराने वाले विंडो को पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं और नई विंडो उसके अंदर डालना चाहते हैं, तो आप हमेशा कस्टम इंस्टॉलेशन को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर ये मेरे पास बिल्कुल नया कंप्यूटर है, तो मैं यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल, ठीक है, कस्टम इंस्टॉलेशन को सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर न्यू पे जाऊंगा और दोस्तों यहाँ पर जो है वो मैं एक 30 GB का यहाँ पर पार्टीशन बना लूंगा। तो आप अराउंड 30,000 जो है वो यहाँ पर टाइप कर दें और इसको अप्लाई कर दें, ओके कर दें। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास देखो दो रिजर्व्ड पार्टीशन आ गए हैं और 29.2 GB का एक मेन ड्राइव हमारे पास आ गया है। तो दोस्तों, रिजर्व्ड वाले में हम कभी भी जो है वो विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं करते हैं, रिजर्व्ड के जो नीचे होता है बिल्कुल एकदम हम उसके अंदर विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ से हम पार्टीशन नंबर 3 को सेलेक्ट करेंगे और अगेन नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है अब हमारा जो बूटेबल मीडिया है उसके अंदर से जो विंडोज़ की फाइलें हैं वो हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर जो पार्टीशन नंबर 3 था, मतलब कि वो सी ड्राइव माना जाता है, वो सी ड्राइव हमारे सामने बन के आएगा। उसके अंदर अब हमारी फाइलें जो हैं वो कॉपी पेस्ट होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जो अभी 0% है ये 100% तक आपका जाएगा। तो देखो 1% हो गया है, तो थोड़ा सा ये यहाँ पर जो ना आपको वेट करना पड़ेगा 5 से 10 मिनट का। अब देखें यहाँ पर जो है ये आपका 95% हो गया है, तो देखो 100% भी हो गया। और यहाँ पर देखो ये तीनों फीचर्स जो हैं वो हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, अब ये दो फीचर्स भी हमारे जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे, तो हमें थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। देखिए अब जो है वो एक बार हमारा कंप्यूटर यहाँ पर रीस्टार्ट हुआ है, तो आपको रीस्टार्ट होने देना है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब तक आपको पता चल गया होगा पुरानी वीडियो देखने के बाद भी कि जब भी इंस्टॉलेशन होती है तो कंप्यूटर बीच में 2 से 3 बार जो है वो रीस्टार्ट होता ही होता है। अब देखिए हमारा जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट होके आ गया है, तो विंडो 10 के मुकाबले इसकी जो थोड़ी इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी डिफरेंट, मतलब कि इसका जो ग्राफिक्स है वो थोड़ा बहुत अच्छा है। तो यहाँ से हम इंडिया को सेलेक्ट करेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट है और यहाँ से हम लोग यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से कीबोर्ड के लिए जो है वो इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट करेंगे और देन हम यहाँ पर फिर से यस करेंगे। अब हम यहाँ पर जो है वो आपका सेकेंडरी के लिए हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। अब देखिए हमसे ये जो है ना इंटरनेट कनेक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो अभी हमारे पास कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर आई डू नॉट हैव इंटरनेट कनेक्शन पर क्लिक कर देंगे।
ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है जी आप फिर से भैया कनेक्ट हो जाइए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप, क्योंकि हमारे पास अभी इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है आपसे एंटर योर नेम। अब देखिए इसके बाद फिर से एक बार मेरे को यहाँ से नेक्स्ट करना है, ठीक है, अगेन नेक्स्ट करना है और फिर से मेरे को ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेनी है। अब देखिए मेरे को हाय बोल रहा है, तो ऑलमोस्ट जो है ना गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू, तो अब मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल होने वाला है कुछ ही सेकंड में, ठीक है। आप देख सकते हैं जिसका जो ग्राफिक्स है यार वो कितना अच्छा है। विंडोज 11 में मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना यार वो उसका ग्राफिक्स ही लगता है। तो बस अब आपको थोड़ा सा ही वेट करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारी ये विंडोज 11 जो है वो इंस्टॉल होके आ गई है। आपको दिस पीसी पे जाना है, आप यहाँ पर डुअल क्लिक करें तो आपको देखो यहाँ पर इसका ग्राफिक्स है, ये सी ड्राइव है, ये मेरा विंडोज जो है ना बूटेबल मीडिया लगा हुआ है, इसका ग्राफिक्स यार बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से दोस्तों इसका जो स्टार्ट बटन है वो यहाँ पर विंडोज 10 और 7 की तरह 8 की तरह यहाँ कोने में नहीं होता, देखो वो यहाँ पर बीच में सेंटर पे होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपका स्टार्ट बटन खुल के आ गया है। शटडाउन के लिए आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको रीस्टार्ट शटडाउन का ऑप्शन मिलेगा। हमारा जो यूजर नेम है वो ये है जो यहां पर आपको ये दिखा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ये अलग है जी, आप स्टार्ट बटन ढूंढते रह जाएंगे वो आपको यहां पर मिलेगा। इसमें जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स, मतलब फीचर्स वही हैं, उनको जो ना थोड़ा सा ग्राफिक्स का रूप दे दिया गया है और बहुत अच्छी लगती है मेरे को विंडो 11। तो विंडो 11 के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में अपनी और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में